हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल। दोस्तों, भागते दौड़ते इस जीवन में एड़ियों में दर्द होना एक आम समस्या होती जा रही है, लेकिन कुछ लोग इसे हल्के में ले लेते हैं और इसके इलाज की तरफ कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन दोस्तों, एड़ी में दर्द काफ़ी खतरनाक, काफ़ी तकलीफदायक हो सकता है और एड़ी का दर्द हमें कई बड़ी बीमारियों को भी दे सकता है, जैसे कमर दर्द, स्लिप डिस्क आदि एड़ी दर्द के कारण हो सकती है। ऊंचे हील वाले जूते या सैंडल पहनना या फिर हड्डियों का अनावश्यक रूप से बढ़ जाना, कुछ ऐसे कारण हैं जो हमारे एड़ियों के दर्द के कारण होते हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एड़ी के दर्द के क्या क्या कारण हो सकते हैं और एड़ी के दर्द से हम किस प्रकार कुछ घरेलू उपायों से बड़ी ही आसानी से निजात पा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं एड़ी के दर्द के मुख्य कारण। एड़ी में दर्द किन किन कारणों से हो सकता है, क्योंकि दोस्तों, किसी बीमारी को दूर करने से पहले कोशिश करिए कि वह बीमारी आप तक पहुँचे ही नहीं। तो यदि आपको उस बीमारी के कारण पता होंगे तो निश्चित ही आप उस बीमारी से आसानी से बच सकते हैं। तो बात कर रहे थे हम एड़ी के दर्द के मुख्य कारणों की। तो देखिए दोस्तों, ज़्यादा चुस्त कपड़े पहनने से, गिर जाने से या अचानक पैर के मुड़ जाने से यानी कि मोच आ जाने के कारण, या फिर कभी कभी नींद की ज़्यादा गोलियां खाने से, लगातार नींद की एंटी डिप्रेशन गोलियां खाने से भी एड़ी में दर्द हो सकता है। ज़्यादा ऊंचे या नुकीले हील वाले जूते और सैंडल पहनने के कारण भी एड़ी में दर्द हो सकता है। और दोस्तों, एड़ी में कोई नुकीला पत्थर चुभ जाता है तो भी आपकी एड़ी में दर्द हो सकता है। अनियमित तरीके से कभी कभी हड्डी हमारी बढ़ने लगती है और ऐसी स्थिति में भी आपके एड़ी में दर्द हो सकता है। शरीर में पोषक तत्वों की कमी के कारण भी, कैल्शियम की कमी के कारण भी आपकी एड़ी में दर्द हो सकता है। ज़्यादा समय तक लगातार खड़े रहने से या फिर नियमित रूप से रोजाना एक ही स्थान पर बैठे या खड़े रहने से भी एड़ी में दर्द हो सकता है। और दोस्तों, ज़्यादा मोटापे के कारण भी आपकी एड़ी में दर्द हो सकता है। तो ये कुछ कारण थे जिनसे आपको बचना है, क्योंकि एड़ी में दर्द के ये कुछ खास कारण हैं। और दोस्तों, यदि आप एड़ी के दर्द से ग्रस्त हो चुके हैं, यदि आप एड़ी के दर्द से पीड़ित हो चुके हैं, तो कुछ घरेलू उपायों को अपनाकर आप एड़ी के दर्द को आसानी से दूर कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं उन उपायों के बारे में जिनसे आप बड़ी ही आसानी से अपने एड़ी के दर्द को दूर कर पाएंगे। तो सबसे पहला उपाय है दोस्तों, अदरक और पुदीना। जी हाँ दोस्तों, अदरक और पुदीने में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो हमारी एड़ी के दर्द को बड़ी ही आसानी से खींचकर बाहर निकाल देते हैं। तो अपने दैनिक जीवन में अदरक को अवश्य शामिल करिए। आहार में, चाय में या फिर किसी भी गर्म पेय के रूप में आप अदरक का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा पिंड खजूर और पुदीना को पीसकर आप इसकी चटनी बना लीजिए और नियमित रूप से इसका सेवन करिए। इसके नियमित सेवन से आपके एड़ियों का दर्द धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। और दोस्तों, यदि आपकी एड़ियों में ज़्यादा दर्द है, आप चल फिर भी नहीं पा रहे हैं, तो आप एक लेप तैयार कर सकते हैं। इस लेप को तैयार करने के लिए आपको चाहिए सरसों का तेल और हल्दी और नींबू, प्याज और नमक। जी हाँ दोस्तों, सरसों का थोड़ा तेल लीजिए और इसे गर्म कीजिए। इसमें आप थोड़ी हल्दी डाल दीजिए और इस हल्दी को सरसों के तेल में ठीक से पका लीजिए। और फिर इसमें आप थोड़ा नींबू का रस डालिए, प्याज का रस डालिए और नमक डालकर इसका पेस्ट बना लीजिए। आप चाहें तो प्याज को पीसकर भी मिक्सी में पेस्ट बनाकर भी इसमें डाल सकते हैं। ठीक से इसे फ्राई कर लीजिए, भून लीजिए। उसके बाद में रात को सोने से पहले अपनी एड़ियों पर इस पेस्ट का लेप लगाइए। नियमित रूप से इसका प्रयोग करने से निश्चित ही आपके एड़ियों का दर्द धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। और दोस्तों, बिल्कुल आसान और सरल उपाय आपको बताने जा रहा हूँ जिससे आप एड़ियों के दर्द से निश्चित ही
आराम पाएंगे। तो इसके लिए आप ठंडे और गर्म पानी का सेक करिए। जी हाँ दोस्तों, एड़ियों में दर्द की शिकायत होने पर आप अपने सर को गीला कर लीजिए, यानी कि अपने सर को एक गिलास पानी से आप गीला कर लीजिए और फिर अपने पैरों को बारी बारी ठंडे और गर्म पानी में आपको रखना है। किस प्रकार से रखना है यह भी आपको बता देते हैं। देखिए दोस्तों, अपने पैरों को आप सबसे पहले शुरू करेंगे गर्म पानी से। लगभग 3 से 4 मिनट तक आप अपने पैरों को गर्म पानी में रखेंगे और उसके बाद में आप फ्रिज के ठंडे पानी में अपने पैरों को डालेंगे लगभग 1 से 2 मिनट के लिए, और इस प्रक्रिया को लगभग 5 से 7 बार आप दोहराएंगे। 3 से 4 मिनट गर्म पानी में और 1 से 2 मिनट ठंडे पानी में आप अपनी एड़ियों को डुबो के रखेंगे। और दोस्तों, शुरू करना है आपको गर्म पानी से और समाप्त भी करना है आपको गर्म पानी से। इस प्रयोग को दिन में आप 2 बार यानी सुबह और शाम कर सकते हैं और इसके नियमित प्रयोग से आपके एड़ियों में दर्द समाप्त होने लगेगा। और दोस्तों, आप इसके प्रयोग के साथ ही पाएंगे कि आपको एड़ियों में काफ़ी आराम मिला है। और अगला उपाय है एलोवेरा। जी हाँ दोस्तों, एलोवेरा एड़ियों के दर्द में छुटकारा दिलाने का एक बेहद आसान और रामबाण उपाय माना जाता है। तो इसके लिए करीब 50 ग्राम एलोवेरा को आप छील कर इसका सेवन करिए और आप एलोवेरा को अपनी एड़ी में बांध भी सकते हैं। इससे भी आपके एड़ियों में दर्द में राहत मिलेगी। और अगला उपाय है एलोवेरा, अदरक और काला तिल। जी हाँ दोस्तों, एलोवेरा, अदरक और काला तिल को आप मिक्स कर लीजिए और फिर इसे हल्का गर्म कर लीजिए। इससे इस तेल से आप एडी की मालिश करिए, धीरे धीरे आपके दर्द में आपको राहत महसूस होगी। नियमित प्रयोग से आपके एडियों का दर्द हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। और अगला उपाय है कलौंजी, अजवान, मेथी और इसबगोल। जी हाँ, 1 चम्मच कलौंजी लीजिए, 1 चम्मच मेथी लीजिए, 1 चम्मच इसबगोल और 1 चम्मच आप अजवान लीजिए और इसे आप मिक्सी में डालकर इसका चूर्ण बना लीजिए, इसका पाउडर बना लीजिए और रोजाना सुबह खाली पेट 1 चम्मच इस चूर्ण को सेवन करिए ठंडे पानी से, और इससे आपको आपकी एड़ियों में दर्द से शीघ्र ही छुटकारा मिल जाएगा। तो दोस्तों, इन उपायों से आप अपने एड़ियों के दर्द को बेहद आसानी से दूर कर सकते हैं। और कोशिश करिए कि आपकी एड़ी में दर्द ना हो, इसके लिए जो कारण आपको बताए गए हैं उन्हें दूर करने का प्रयास कीजिए। इसके अलावा नियमित रूप से व्यायाम कीजिए, अपने आहार में नियमित रूप से आंवला, सेव, टमाटर, पत्ता गोभी, कच्चा पपीता, आलू, ककड़ी और तोरई की सब्जी सम्मिलित करिए, क्योंकि इनमें कई पौष्टिक तत्व होते हैं जो हमारी एड़ियों के दर्द को दूर करने में हमारी मदद करते हैं। तो नियमित रूप से अपने आहार में आप इन चीज़ों को सम्मिलित कीजिए और एडियो के दर्द को हमेशा के लिए बाय बाय बोल दीजिए। तो दोस्तों, यह थे एडियो के दर्द के कारण और निवारण घरेलू उपायों के द्वारा। तो आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों, लाइक के बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। और दोस्तों, यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो कृपया सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, यूट्यूब के नए नियमों के अनुसार सब्सक्राइब करने के बाद आपको घंटी के बटन पर भी क्लिक करना है। तो दोस्तों, घंटी के बटन पर भी क्लिक करना ना भूलिए। तो दोस्तों, एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम। जय हनुमान।